डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 10th एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन का नेक्स्ट पार्ट करने जा रहे हैं। इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि जो इंडस्ट्रियलाइजेशन था वो कॉलोनीज में किस तरीके से था, मतलब जहाँ भी यूरोपियन कंट्रीज अपना कॉलोनीज बनाए हुए थे। तो स्पेशली हम लोगों को इंडिया के बारे में पढ़ना है, क्योंकि हम लोग को पता है इंडिया जो है वो यूरोप का कॉलोनी था ब्रिटेन का। तो उसके बारे में हम लोगों को पढ़ना है कि उन इंडस्ट्रियलाइजेशन का हमारे कंट्री पे क्या इफेक्ट आया। तो सबसे पहला चीज़ हमको जानना है द एज ऑफ इंडियन टेक्सटाइल। तो इसमें आप लोग ये समझ लीजिए कि जब मशीन का टाइम नहीं आया था, जब मशीन इंडस्ट्री का एज नहीं आया था, उससे पहले जो सिल्क और कॉटन था इंडिया का, वो इंटरनेशनल मार्केट में काफ़ी दबदबा बनाए हुए था, मतलब काफ़ी डोमिनेटेड था। कहने का मतलब है कि इंडिया का जो सिल्क और कॉटन था उसका काफ़ी डिमांड था इंटरनेशनल मार्केट में। कारण क्या था, जो बाकी कंट्रीज थे, दूसरे कंट्रीज थे, वहाँ पर कोर्सर कॉटन यानी कि जो मोटा कपास होता है वो प्रोड्यूस होता था, लेकिन इंडिया में फाइनर वेराइटी ऑफ कॉटन जो था वो इंडिया में प्रोड्यूस होता था। जो अर्मेनियन और पर्सियन मर्चेंट थे, ये लोग जो मर्चेंट थे जो भी कपड़े के व्यापार में थे, देखिए इंडिया में बिजनेस करने का दो तरीका, मतलब दो रास्ता है। जैसे हमको तो नक्शा बनाने आता नहीं है, लेकिन एक पार्ट ये हो गया इंडिया का पेनिनसुलर पार्ट, और इधर जो होता है ये कश्मीर वाला ऐसे जो बनता है इधर से। तो इधर से जो लोग आते हैं, ये एरिया जो है लैंड लॉक्ड है, मतलब कि ये जमीनी जमीन वाला एरिया है और यहाँ पानी वाला एरिया है। तो जब मशीन का टाइम नहीं था तब दोनों साइड से बिजनेस होता था, लोग जमीन से भी बिजनेस करते थे। जमीन में जो भी आपको आर्मेनिया और पर्सिया के जो मर्चेंट थे वो गुड्स लेकर पंजाब से अफगानिस्तान के रास्ते हुए, अफगानिस्तान इस एरिया में है, अफगानिस्तान के रास्ते होते हुए वो अपना सामान लेकर चले जाते थे। ठीक है, जो ये सब राजस्थान और ये सब डेजर्ट वाला एरिया था, इधर से होते हुए वो लोग अपना सामान लेके चले जाते थे। और उस समय सी ट्रेड भी काफ़ी मतलब फ्रीक्वेंट था, मतलब दोनों तरफ से इस ये एरिया जो है यहाँ से यहाँ तक देखिएगा जब नीचे में, तो ये सब एरिया जो है सी के साथ बाउंड्री बनाता है। इंडिया का ये जो पेनिनसुलर पार्ट है वो सी समुंदर के साथ बाउंड्री बनाता है, सी के साथ। तो इसमें क्या होता था कि जो पर्सियन में मर्चेंट थे वो लोग भी आते थे और पंजाब के रास्ते, मतलब वो लोग भी अपना बिजनेस करते थे, और बाकी जो कंट्रीज थी, जो गल्फ कंट्रीज थी, जो भी वो गल्फ कंट्रीज भी इंडिया के साथ अपना बिजनेस करती थी। किस रास्ते से, सी पोर्ट के थ्रू। जो सी पोर्ट थे, जैसे कि जो फेमस सी पोर्ट था वो कौन कौन सा था, सूरत सी पोर्ट काफ़ी फेमस था। कब, जिस समय इंडस्ट्रियलाइजेशन और जो इंडस्ट्रियल एरा था, इंडस्ट्रियल समय था, उसका असर नहीं हुआ था इंडिया पे, उस समय जो सूरत था गुजरात में, मसूली पट्टनम जो कोरोमंडल कोस्ट पे, और हुगली पोर्ट जो था बंगाल में, ये मेन ट्रेड लिंक्स था। बाकी कंट्रीज से जो ट्रेड होता था इन्हीं पोर्ट से होता था। कौन सा ट्रेड, जो सी ट्रेड होता था, जो सी ट्रेड होता था। एक तो लैंड ट्रेड हो रहा है, लैंड ट्रेड वाले तो वहाँ हैं और ज़मीन के रास्ते से चले गए। जो सी ट्रेड हो रहा था इंडिया का वो सूरत, उसके बाद मसूली पट्टनम और वेस्ट बंगाल में जो हुगली था। अच्छा, यहाँ पे लिखा हुआ है कोरोमंडल कोस्ट। कोरोमंडल कोस्ट किसको कहते हैं, तमिलनाडु कोस्ट को ही कोरोमंडल कोस्ट कहते हैं। जैसे इंडिया का ये वाला पार्ट है, तो ये वाला जो पार्ट है ना, इसको हम लोग कोरोमंडल कोस्ट कहते हैं। इसके आगे का जो पार्ट है इसको हम लोग आंध्रा कोस्ट कहते हैं। ठीक है, तो ये सब पहले का समय था जब इंडिया में आपको वो चीज़ नहीं था, मतलब मशीन का एरा नहीं आया था। उसके बाद क्या हुआ, उसमें ऐसा ही नहीं था कि जो इंडिया में सिर्फ डायरेक्ट बिजनेस ही होता था, और कुछ लोग ऐसे थे जो मर्चेंट और बैंकर्स थे, वो लोग इसमें जो एजेंट्स का काम होता है ना, दलाली का काम, वैसा काम, ये जो एक्सपोर्ट ट्रेड का नेटवर्क था, जो एक्सपोर्ट हो रहा है इंडिया से जो भी प्रोडक्ट बाहर जा रहा है, इसमें दलाली का काम वो लोग करते थे। वो क्या करते थे कि जो वेवर्स होते थे बुनकर, ठीक है, उनको पहले पैसा दे देते थे और गांव में उनसे जो वेविंग का काम था वो करा लेते थे, और उसके बाद जो तैयार कपड़ा होता था, जो कपड़ा तैयार हो जाता था उसको लेकर पोर्ट पे आ जाते थे, और उसके बाद जो भी बिग सीपर्स जिनको कि कच्चा माल चाहिए उनको उसको बेच दिया करते थे, और बेचते वक्त मतलब उसमें ब्रोकर्स दलाली खाया करते थे, दलाली लिया करते थे। तो दाम में जैसे होता है ना, कम ज़्यादा करके दाम उसमें
मैनेज करना। तो मतलब एक तरीके से पूरा जो टेक्सटाइल बिजनेस था बहुत अच्छे से बढ़ा चढ़ा हुआ बिजनेस था, मतलब रॉ मटेरियल का भी डिमांड था और भी बहुत लोग इसमें इन्वॉल्व थे। यहाँ पर इस टॉपिक में लिखा हुआ है कि इंडियन मर्चेंट एंड बैंकर्स, ये लोग भी इन्वॉल्व थे। इनका काम क्या था, एक तरीके से ये एजेंट थे, दलाल थे। गांव में जाकर, जैसे हम लोग चैप्टर शुरू हुआ था तो हम लोग पढ़े थे ना कि सारा प्रोडक्शन जो प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन के टाइम में था, तो सारा का सारा प्रोडक्शन गांव में होता था। तो इंडिया में भी वही चीज़, जो वेवर होते थे, जो बुनकर होते थे, उनसे कपड़ों का बुनाई कराया जाता था। वेविंग कराने के बाद उस कपड़े को लेकर सीधा वो लोग पोर्ट पर आ जाते थे, जहाँ से बिजनेस हो रहा है पोर्ट पर आ जाते थे। और पोर्ट पर आने के बाद वहाँ जो भी मर्चेंट आते थे, जो उसको ले जाना होता था, उनके साथ अपना जो दाम होता था उसको कम ज़्यादा करके जो प्रॉफिट होता था उसको रखने के बाद उसको बेच दिया करते थे। लेकिन 1750 के बाद, 1750 के बाद, 1750 के बाद क्या हुआ था, बैटल ऑफ पलासी जब हुआ था 1757 में, तो धीरे धीरे जो कंट्रोल था वो अंग्रेज़ों के हाथ में जाने लगा। तो एक सेकेंड, हाँ, तो 1750 के बाद जो बिजनेस पे, जो नेटवर्क पे इंडियन मर्चेंट्स का कंट्रोल था वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगा। क्यों होने लगा, क्योंकि जो यूरोपियन कंट्रीज थे जो कि अभी तक हमारे यहाँ बिजनेसमैन बन के आए थे, अब वो पावर गेन करने लगे। पावर गेन करने का मतलब क्या करने लगे, जो उस समय लोकल कोर्ट थे, मतलब जो राजशाही थे, उनसे वो लोग बहुत सारा राइट ले लिए और बहुत सारा कंसेशन ले लिए। इससे क्या हुआ कि अब धीरे धीरे सारा का सारा राइट क्या है, किसके पास जाने लगा, अंग्रेज, जो यूरोपियंस कंट्री के अंग्रेज जो आए हुए थे उन पे जाने लगा। और जो पहले जिस पोर्ट से बिजनेस होता था, जैसे पहले सूरत से और हुगली से बिजनेस होता था सबसे ज्यादा, वो धीरे धीरे अब खत्म होके जो नया, जहां पर कि अंग्रेजों का कंट्रोल था, उस पोर्ट से शुरू हो गया। ये सब पोर्ट, जो पुराना पोर्ट था वहां से बिजनेस खत्म हो गया। मतलब समझ लीजिए कि जब किसी जमाने में 16 बिलियन का सूरत से बिजनेस होता था, सूरत पोर्ट से जो टोटल बिजनेस होता था, वहाँ का जो ग्रॉस वैल्यू था, वहाँ से जो बिजनेस होता था 17th सेंचुरी में, वो 16 बिलियन होता था, 16 बिलियन का। लेकिन 1740 के आते आते इसके आसपास में मात्र 3 बिलियन रह गया। तो अब बिजनेस कहाँ से शुरू हो गया, अब बिजनेस शुरू हुआ नए पोर्ट से जो कि अंग्रेजों के कंट्रोल में था। वो दोनों था बॉम्बे और कलकत्ता। जो बॉम्बे और कलकत्ता था वहाँ से अब नया बिजनेस शुरू हुआ, वहाँ से मैक्सिमम एक्सपोर्ट होने लगा। और ये बताता क्या है, अब मान लीजिए कि पहले कहीं पे किसी का कंट्रोल है और वो चीज़ बिल्कुल ख़त्म हो गया, कहीं नए जगह से कोई भी काम शुरू हो गया, तो इसका मतलब है कि पुराने वाले का कंट्रोल ख़त्म हो गया, पुराने वाले का जो पावर है वो कम हो गया, नया पावर अब बढ़ के आ रहा है। तो ये जो शिफ्टमेंट हुआ ओल्ड पोर्ट से न्यू पोर्ट के तरफ, वो इंडिकेट करने लगा कि जो कॉलोनियल पावर है, मतलब जो यूरोपियन पावर है, वो धीरे धीरे अब पावर में आ रहा है, ग्रो कर रहा है। और जो भी, मतलब जो नया पोर्ट आया, अब एक तो देखिए पोर्ट पे भी कंट्रोल हो गया और जो कैरी हो रहा था प्रोडक्ट जा रहा, मतलब जो कच्चा माल था या कपड़ा जो भी बन के आ रहा था वो कैरी भी हो रहा था। वो किससे कैरी हो रहा था, यूरोपियन शिप से ही कैरी हो रहा था, वो यूरोपियन शिप्स के थ्रू ही उसको कैरी भी किया जा रहा था। धीरे धीरे जितना भी पुराना बिजनेस था वो पूरा का पूरा ख़त्म हो गया और नया बिजनेस जो आया वो धीरे धीरे किसके कंट्रोल में आ गया, पूरा यूरोपियन जो ट्रेडिंग कंपनी था उनके हाथों में कंट्रोल आ गया। और वो एक नया सेटअप, नया नेटवर्क स्टार्ट किए इसमें, इन बिजनेस में, जिनको अगर अपने आप को सर्वाइव कराना रहता था, जिनको काम करना रहता था, वो अंग्रेजों के साथ मिलकर ही काम करते थे। ठीक है, वो अपना काम, अब तो उनका काम धीरे धीरे, जो भी इंडियंस का काम था वो धीरे धीरे अंग्रेज अपने कंट्रोल में ले लिए थे। तो उसके बाद अगला टॉपिक है कि जो बुनकर थे, जिनसे कि अंग्रेज गांव में लोग काम कराते थे, जो इंडियन मर्चेंट्स और बैंकर थे, अभी बताया ना, उनके उनसे उनसे काम कराते थे, उनसे सारा चीज़ कराने के बाद उसको पोर्ट पे लाके बेचते थे। तो जब उनके हाथ से कंट्रोल छीन कर अंग्रेजों के हाथ में चल गया, तो इन बुनकरों का क्या हुआ, अब इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। वीडियो अच्छा लगा होगा लाइक करिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, अच्छा नहीं लगा होगा कमेंट करके बताइएगा क्या अच्छा नहीं लगा। अगर आपको किसी तरह का हेल्प चाहिए अपने स्टडी के रिगार्डिंग, तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9472596352। आप इस व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, जो भी चीज़ चाहिए आपको, पीडीएफ फॉर्म में स्टडी मटेरियल या कुछ भी, वो आपको मिल जाएगा। या फिर आप अपना क्वेश्चन भेज सकते हैं
जो आपको नहीं आ रहा है वो क्वेश्चन भेज दीजिएगा, तो उस क्वेश्चन के लिए एक हम वीडियो बना देंगे और उस पूरे के पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे ताकि आपको वो समझ आ जाए। थैंक यू।